फ्री में सब्सक्राइब कीजिए बिहार यूट्यूब चैनल को और दबाइए साथ में बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यूज वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टेक्निकल में और आज की स्टूडियो में। दोस्तों आज की स्टूडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से हर किसी के मोबाइल पर जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई किए हैं उनके मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा है। इस मैसेज से हर कोई घबरा जाता है, पता नहीं लगता है कि भाई ये मैसेज क्यों आता है। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से मैसेज क्यों आता है, इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको एक छोटा सा घंटा होगा उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस आप सभी को बता दूँ कि आपने यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपके मोबाइल पर भी ये मैसेज आया होगा। प्रिय आवेदक, आपकी अगस्त 2019 नवंबर 2019 की किस्त को आपके आवेदन एवं आधार में उपलब्ध नाम में विसंगति होने के कारण वितरित नहीं किया जा सका है। कृपया www.pmkisan.gov.in पर फार्मर कॉर्नर में जाकर अपना नाम अपडेट करें या अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करें। तो गैस यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई किए हैं उन सारे लोगों के पास ये मैसेज आ रहा है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई किए हैं उनके फॉर्म में कोई त्रुटि है उनके पास भी ये मैसेज आ रहा है। जो लोग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई किए हैं उनके फॉर्म में कोई त्रुटि भी नहीं है फिर भी उनके पास भी ये मैसेज आ रहा है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई किए हैं फर्स्ट किस्त मिल गया है उनको भी मैसेज आ रहा है, सेकंड किस्त मिला है उनको भी आ रहा है, जिनका थर्ड किस्त जारी किया है उनको भी मोबाइल पे ये मैसेज आ रहा है। ये यानी कि हर किसी के मोबाइल पर जिन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई किए हैं सारे लोगों के पास ये मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि इसकी पूरी डिटेल के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है www.pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पे मेनू बार में एक मिलेगा कॉर्नर, फार्मर कॉर्नर, आपको सिंपली में इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलता है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट आधार डिटेल, बेनिफिशियरी स्टेटस। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में कोई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई नहीं किए हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। नीचे है आधार, एडिट आधार डिटेल, यदि आपके कोई फॉर्म में कोई त्रुटि है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं और उसके सुधार यहां से कर सकते हैं। यहां से जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा एडिट आधार डिटेल पे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको आधार नंबर मांगेगा तो आपने जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में जो आधार नंबर दिए हैं वो आधार नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिया गया है जो इमेज में दिख रहा है आपको सेम टू सेम इसको फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च का बटन है, आपको सिंपल में इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। जो आपके यहाँ पे त्रुटि होगा, जो आपने फॉर्म को फिल किया है इसमें कोई भी गलती होगा तो आप यहाँ से उसके सुधार को कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होगा तो आपका यहाँ पे लिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसका मतलब कि आपके फॉर्म में जो फिल हुआ है इसमें कोई गलती नहीं है। आपको फिर भी लगे कि हमने जो फॉर्म फिल किया है इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती हुआ है, उस दिन बाद में फिर ट्राई करके आप सुधार इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी स्टेटस, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी कौन सी किस्त आया है, आपको पेमेंट आया है कि नहीं आया, इसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप यहां से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और पूरी डिटेल आपने जो फॉर्म को फिल किया है इसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गैस आप सभी के लिए छोटा सा वीडियो था हमारा, कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।